मेरी लाइफ में थोड़ा कुछ टाइम से काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है तो जैसा कि आप लोग बोलते हो कि कुछ काम करो बाकी चीज़ों पे ध्यान दो तो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी बट मेरे साथ थोड़ी अलग प्रॉब्लम है मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन अगर कुछ नेगेटिव मैं सोच रही हूँ तो वो नहीं जाता है मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं खाली थी मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ एंड आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड मैं चीज़ें तो कर रही थी बट आई वॉज ऑल्सो क्राइंग ऑल द टाइम एंड आई वॉज लाइक कि मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ बट मैं रो क्यों रही हूँ मैं खुद भी अपने आप को पहली बार इस फेज़ में देख रही थी एंड आई वॉज़ क्राइंग तो मैं क्या करती थी उन दिनों को काटने के लिए मैंने ना कुछ टू डू लिस्ट बना ली थी कि मैं वॉक पे जाऊँगी एक्सरसाइज करूँगी अच्छा खाऊँगी टिक टिक तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोमिसज मैं अपने आप से पूरे करती थी ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था

एक्चुअल में भी कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से माइंड में कुछ घूम रहा है और वो निकल नहीं रहा है तो होता क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो ध्यान वहां पे नहीं लगेगा बार बार माइंड में वही थॉट आएगा तो आपको क्या करना है दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो एक है जब आप सुबह उठे हो ये दो पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोगे पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे एक दिन पहले आपको रात को क्लियर पता होना चाहिए पेपर पेन ले करके लिखना है कि सुबह में कितने बजे उठूंगी फिर उसके बाद में क्या करूंगी इतने बजे इतने बजे इतने बजे मतलब तीन चार टास्क क्लियरली वहां पे मेंशन होने चाहिए तो अगले दिन का जब प्लान आपके माइंड में क्लियर होता है तो माइंड को सोने से पहले एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है और एक कंफर्ट मिलता है कि एक गोल मिल जाता है और सारा फोकस वहां चला जाता है दैट इज वन फिर जब आप सुबह उठते हो तब वो लिस्ट आप देखते हो तो आपको पूरे दिन के लिए गोल मिल जाता है तो ये गोल बहुत जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है ये माइंड में नहीं होनी चाहिए लिस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान से इस बात को समझना आप सब लोग और याद रखना अगर ये आप नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन होंगे सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है टाइम खराब हो जाता है पता ही नहीं लगता है हमारा मूड खराब रहता है हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं ये जो फेज होता है ना लाइफ में ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है ये जो नेगेटिविटी वाला फेज है ये निकल जाएगा कुछ टाइम बाद तो इस फेज से निकलने का ये तरीका है हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज आता है राइट right? तो मैं क्या करती थी आई यूज टू रीड गुड बुक्स एंड राइट एफोमेशन एंड से इट मिरर के सामने खड़े होकर बोलना अपने एफर्मेश्स को अपने आप को बोलना अपना नाम लेके आई लव यू आई एक्सेप्ट यू एंड राइट बिफोर स्लीपिंग एक नोटबुक में राइटिंग योर एफर्मेश इतना ज़्यादा वर्क करता है मैंने देखा है इट हेल्प्स यू बिकम पॉजिटिव अलॉट अफर्मेश आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए मेरी दो अफर्मेश भी आपने शायद सुनी होंगी सुनी आपने